सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बताऊंगा लेंस के बारे में कि लेंस जो छोटा हमारा बड़ा लेंस होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, फ़ायदा इसका क्या होता है, हमारे छोटे लेंस का फ़ायदा क्या होता है और हमारे बड़े लेंस का फ़ायदा क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा, अगर हमारे वीडियो मतलब हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मतलब हमारे कैमरे का छोटा लेंस है। और हमारा कैमरा कौन सा है मैं मॉडल आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा कैमरा D5600 तो हमारा यही मॉडल है, तो उसी का ही कैम मतलब लेंस है। तो जो हमारा लेंस है इसको हम बोलते हैं किट, मतलब किट 1855 किट जो होता है हमारा 1855, तो ये 1855 ही किट है। और ये है हमारा 70300 किट, तो इसको किट को हम लेंस बोलते हैं, कैमरे का लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कवर अप है, तो निकालेंगे तो हमारा इसमें भी लिखा है निकॉन निकोरा इतना मतलब कुछ 1855 का लेंस। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, मैं इसको कवर अप कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि इस लेंस का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब कैसे फ़ोटो क्लिक होती है। तो इस लेंस का फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आप इसे छोटे एरिया में कहीं अगर पास वाले एरिया में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ये दोस्तों उसमें ये आपका लेंस काम करता है। जैसे आपकी दोस्तों आप कहीं शादी वादी में मतलब पार्टी वगैरह में आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा एरिया जन्म एरिया से होते नहीं, तो आप पास पास में खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कराते हैं, तो इसके लिए ये लेंस होता है। बट दोस्तों इस लेंस में देख सकते हैं दोस्तों कुछ लिखा होता है, हमारा अपर्चर निकोरा देख सकते हैं 1.35 5.5। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इसका मतलब हमारा अपर्चर है तो वो 5.6 है। 5.6 मतलब इस लेंस से हमारा ज़्यादा ब्लर नहीं होता है, मतलब हम फोटो क्लिक करते हैं तो जैसे बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा नहीं होता, चाहे आप 18 पे क्लिक करिए तो 55 में आप कहीं कोई से एंगल भी क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं ये आपका जैसे 18 पे क्लिक कर सकते हैं, 24 35 पे 45 पे 50 पे, इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा करने के लिए आपको और दूसरा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मतलब बड़ा लेंस होता है जैसे कि फोटोग्राफर लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। तो यहाँ पर आजकल फ़ोटो शूट करते हैं तो जैसे मॉडल वगैरह हो गया, या आपको फ़ोटो एडिटिंग का शौक है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी बड़ा लेंस है, देखते हैं दोस्तों इसका जूमिंग जो हमारा है ये काफ़ी जूमिंग है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है देख सकते हैं इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है दोस्तों, जैसे हमारा कंपेयर किए थे आपको छोटे लेंस से तो वो छोटा लेंस आपका ब्लर नहीं होता, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.5 इसका अपर्चर है, मतलब उससे भी ये ज़्यादा अपर्चर देता है, मतलब उससे भी ज़्यादा ये ब्लर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा जूमिंग भी है दोस्तों। आप जो देख सकते हैं जैसे 70, 100, 135, 200, 300, इसको 300 पर आप इस पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। 300 पे फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपका काफ़ी ब्लर फोटोस आएगा दोस्तों, कंपेरिजन टू जो आपका छोटा लेंस है उससे ज़्यादा इसमें ब्लर आपका फ़ोटो देखने को मिलेगा दोस्तों। छोटे और बड़े लेंस में यही फ़र्क होता है, अगर आपको नहीं पता था तो आज इसको आप जान लीजिए क्या फ़र्क होता है, इसमें ज़्यादा ब्लर होता है और छोटे में कम ब्लर होता है। बस दोस्तों इसमें यही बताना था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।